किसी ना किसी भांति, किसी ना किसी युक्ति से पहले आपको सेवा में कुशल करेंगे। श्री महाप्रभु तो कहते हैं कि जब कोई नई सखी, कोई नई सहचरी श्री जी की सेवा में आती है तो स्वयं च सकला कलाश कुशली कृता न कदा, स्वयं श्री जी पहले उसे कुशल करती हैं, सकल विद्याओं में प्रवीण करती हैं, सेवा के योग्य बनाती हैं। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप कराए, जित तू आप कराए। सेवा में आइए, आप प्रभु के निकट नहीं जाएंगे, प्रभु आपके निकट आ जाएंगे, पहले वो आपको कुशल करेंगे, वो सेवा में प्रवीण करेंगे। हित हमार सिय पति सेवकाई, सेवा से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। जो आपको झट से बिना देर किए, जिस क्षण आपके मन में सेवा का संकल्प आया, उसी क्षण उसने आपको प्रभु का सानिध्य प्रदान कर दिया। आप सर्वथा निकट जाकर खड़े हो गए प्रभु के। सेवा का भाव, सेवा का संकल्प मन में आते हैं। बहुत सारे लोग तो केवल इसी बात से भ्रमित रहते हैं कि महाराज हम तो गृहस्थी हैं, कैसे घर में सेवा करें। अरे आपके लिए भी तो भोजन बनता है। सेवा के आ जाने से जो आज भोजन है कल वो प्रसाद हो जाएगा। यदि आपके घर में प्रभु की सेवा है तो जो आज भोजन बन रहा है वही कल प्रसाद हो जाएगा। जो आपके जीवन का विषाद है सेवा के आने से वो प्रसाद हो जाएगा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, सेवा आपको सहज स्वरूप में स्थित कर देती है, निज सहज स्वरूपा। तो बड़ी उनकी अनुरक्ति सेवा में, मन में विचार किया कि वैसे भी स्वामी का कक्ष सेवक के कक्ष से ऊपर होना चाहिए, तो क्यों ना छत पर ऐसी व्यवस्था की जाए कि श्री ठाकुर जी को, श्री ठाकुर जी के ग्रीष्म ऋतु के विलास सुंदर कुंज का निर्माण कराया जाए। बस अगले दिन प्रातः काल से लग गए, भांति भांति की सुंदर वस्तुएं उस कुंज के लिए एकत्रित करने लगे और एक बड़ी अद्भुत सुंदर कुंज का निर्माण कर दिया प्रिया प्रीतम के ग्रीष्म ऋतु के सुख के लिए। और क्या करते थे, एक एक नसैनी बनाकर रखी थी, सेवा करते थे और फिर आकर उस नसैनी को हटा देते थे और राज आज्ञा जारी कर रखी थी कि हमारी इच्छा के बिना कोई भी ऊपर जाने का साहस न करे। रानी के मन में संशय हुआ कि सुबह सुबह उठते ही छत पर चले जाते हैं और घंटों वहीं ऊपर उस कक्ष में रहते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर नसैनी भी हटा देते हैं, राज आज्ञा और जारी कर दी कि कोई हमारी आज्ञा के बिना ऊपर जाए नहीं, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। अब रानी के मन में भांति भांति के संशय आने लगे, पता नहीं उस कक्ष में ऐसी क्या बात है। राजा से पूछने का साहस नहीं किया। एक दिन जब राजा सोए थे तो वो अपने तकिए के नीचे वो रस्सी की नसैनी छिपा कर रखते थे। रानी ने बड़े यत्न से वो नसैनी निकाली और लगाकर और ऊपर चढ़ गई। आधी रात का समय और जैसे ही पर्दा हटाकर देखा तो सैया पर गौर श्याम युगल दोनों प्रेम से पौढ़े, उनके श्री अंगों की कांति छिटक रही है, सारी कुंज प्रकाशमान हो रही है, अंगों से उठती सुवास, अंगों का सौंदर्य झिलमिलाते वो रत्न जटित आभूषण गौर श्याम श्री अंगों पर झलमलाते वो सुंदर सुकुमार झीने झीने वस्त्र, ऐसा अपरूप रूप और लावण्य देखकर रानी तो हतप्रभ रह गई। घंटों उसी रूप माधुरी का पान करती, पर्दे की ओट से उस रूप को निहारती और जब भोर होने का समय आया तब रानी को इस बात का चेत हुआ कि मुझे लौटकर जाना चाहिए, भोर का समय हो गया, अभी मंगला की सेवा करने के लिए राजा आते होंगे, यदि उन्होंने देख लिया कि मैं यहां हूं तो मुझे दंडित होना पड़ेगा। दौड़कर गई नीचे, पर राजा ने देख लिया, राजा जयमल ने देख लिया कि ये कक्ष से होकर आ रही हैं। लेकिन रानी ने श्री चरणों में और सारी बात सत्य सत्य निवेदन कर दी कि मैं तो आप पर संशय कर रही थी,
लेकिन मेरे आप पर संशय करने के कारण भी श्री ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा, श्री ठाकुर जी का इतना बड़ा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तो राजा ने कहा कि अच्छा ऊपर गई तो क्या देखा, मेरे प्रभु के विश्राम में कहीं विक्षेप तो उपस्थित नहीं कर दिया? बिल्कुल ऐसा नहीं किया मैंने, मैं तो बड़े दबे पांव गई और थोड़ा सा पर्दा हटाकर देखा। कहती जा रही है, आंखों से अश्रु झर रहे हैं, रोम रोम पुलकित हो रहा है। राजा मन में विचार करते हैं आखिर ऐसा क्या देख लिया, कुछ बोल नहीं पाए। गौर बरन वृषभानु नंदिनी श्याम बरन नंद नंद बसो मेरे नैनन में दो चंद। साक्षात प्रिया प्रीतम का दर्शन करके आ रही है रानी, नैनों में वो रूप झलमला रहा है, रोम रोम से वो अभी प्रेम रस छलक रहा है। एक बार तो राजा जयमल ने बनावटी क्रोध किया, लेकिन फिर मन ही मन रानी के भाग्य की सराहना की कि कोई तो इसका भाग्य होगा, कोई तो इस पर किसकी किसी बात पर, इसकी किसी चेष्टा पर तो प्रभु रीझ गए होंगे जो इसे साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। अपने मन में विचार करने लगे कि प्रभु कभी इस दास पर भी कृपा करिएगा। देखो जो नित्य सेवा करता है, जो नित्य सेवा करता है वो भी उस छवि के दर्शन से वंचित है, और कोई केवल भक्त पर संशय करके, रानी को राजा पर संशय था कि जाने उस कक्ष में ऐसा क्या रहस्य है, और कोई उस भक्त पर संशय करके प्रभु के निकट जाता है और प्रभु दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। वैसे तो ना जाने कौन सी बात पे और दयानिधि रीझ जाते हैं, वो कब कृपा करते हैं, किस पर करते हैं, क्यों करते हैं, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। पर भक्त का मान रखने के लिए, भक्त का सम्मान बढ़ाने के लिए, भक्त के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए प्रभु को अन्य अधिकारी के सन्मुख आने में भी संकोच नहीं होता। पांडवों का प्रेम ही तो था कि द्वारिकाधीश दूत बनकर गए, दूत बनने जैसा कार्य प्रभु ने किया। प्रभु जानते थे कि आज दुर्योधन की सभा में मेरा अपमान होने वाला है, द्वारिकाधीश परिचित थे इस बात से कि आज दुर्योधन मेरा अपमान करेगा, आज दुर्योधन मुझे कारागार में डालने का प्रयास करेगा, वो दुष्ट है, खल है। ये सब होते हुए भी, ये सब जानते हुए भी केवल पांडवों के प्रति प्रेम के लिए, और द्वारिकाधीश दूत बनकर गए, और क्या क्या नहीं किया प्रभु ने। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा तामे झूठ उठाई हरे कृष्णा, तामे झूठ उठाई। झूठी पत्तल बीनी प्रभु ने उस राजसूय यज्ञ में, सबको एक एक सेवा देकर, और प्रभु अपने लिए ये सेवा रखते हैं कौन जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। कभी इन शब्दों में छिपे भाव के निकट जाकर देखिए, कभी उस छवि का अपने अपने हृदय के नेत्रों से दर्शन करने का प्रयास करिए कि युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ और स्वयं द्वारिकाधीश अपने कर कमलों से संतों की भक्तों की वो झूठी पत्तल उठाते हैं और अपनी इच्छा से अपनी प्रसन्नता से ये सेवा चुनते हैं। जिन हाथों में भक्त कमल का पुष्प पकड़ाने में भी संकोच करते हैं, वो माखन से सुकुमार कोमल कर कमल प्रभु के, उन कर कमलों में प्रभु घोड़ों की लगाम थामते हैं। प्रेम के बस अर्जुन रथ हां क्यों भूल गए ठकुराई हरे कृष्णा, भूल गए ठकुराई। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि जयमल तो अपना है, इसके हृदय में तो हम सदा क्रीड़ा करते हैं, भक्त से भगवान कहां दूर होते हैं। एक भक्त का हृदय ही तो है जिसे भगवान एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते। आपने कभी फूल पर बैठे भंवरे को रसपान करते देखा हो? तेज हवा चलती है,
वो भंवरे को हटाने का प्रयास करती है, लेकिन वो भ्रमर रस का ऐसा लोभी है, वो भ्रमर मकरंद में ऐसा लुब्ध है कि किसी भी प्रकार शाम हो जाती है और कमल पुष्प में बंद हो जाता है भ्रमर। और वो भ्रमर जो अपने अपने पैने प्रहार से लकड़ी में छेद कर देता है, लेकिन कमल पुष्प में उसका ऐसा प्रेम है कि भोर होते तक हो सकता है उसके प्राण रहे न रहे, वो प्राण छोड़ देता है लेकिन उस कमल की पंखुड़ी में छेद करके वहां से बाहर नहीं जाता। ऐसा प्रेमी है भ्रमर उस पुष्प का, उस पुष्प के मकरंद का। ऐसे ही भक्त के हृदय के लोभी भ्रमर है मधुकर श्याम। भक्त भी प्रयास करे तो भी भक्त के हृदय को एक क्षण के लिए भगवान छोड़ते नहीं, कहीं भगवान का दर्शन होता हो न होता हो, लेकिन भक्त के हृदय में सदा सर्वदा स्वामी सखा पितु मात गुरु जिनके तुम सब तात, तिनके मन मंदिर बसो सिया सहित दो भ्रात, जाही न चाही कबहु कछु तुम संग सहज स्नेह, बसो निरंतर ताके उर सो राउर निजगेह। यदि गिरधर की छवि का दर्शन करना हो तो उसके लिए सबसे सुंदर मंदिर, उसके लिए सबसे सबसे सुंदर तीर्थ जो जो गिरधर का निज मंदिर है, वो तो मीरा जैसी किसी प्रेमिका के, मीरा जैसी किसी 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 भावुका के नेत्र हैं। बसो मेरे नैन में, कहीं गिरधर ना दिखाई पड़ते हो तो कभी मीरा की वाणी का आधार लेकर भाव से, चिंतन और मनन से, अपनी भावना से श्री मीरा जी के निकट जाकर कभी उनके नेत्रों में देखने का प्रयास करिएगा। मोहनी मूरत सावरी सूरत, मोहनी मूरत सावरी सूरत, चंचल नैन विशाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो तो राजा जयमल ने बस प्रेम भरी इतनी ही विनती की, प्रभु कभी दास पर भी कृपा करिएगा। प्रभु से संबंध रखने वाला, प्रभु से सीधा संबंध रखने वाला कब कृतार्थ हो यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन प्रभु के भक्त से संबंध रखने वाला इसी जीवन में कृतार्थ हो जाता है यह बात निश्चित है। इस बात की रक्षा भगवान करते हैं। उनकी सेवा करने वाला कब उन तक पहुंचे ये नहीं कहा जा सकता, उनके सेवक की सेवा करने वाला इसी जन्म में उनके निकट पहुंच जाता है ये बात निश्चित है। मीरा को तो जब गिरधर मिले सो मिले, मीरा के भजन में सहायक हुए मीरा के पति भोजराज, उन्हें बिना ही प्रयास श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो गई। बड़े भाग पाइये सतसंगा, बिनु ही प्रयास हुई भवभंगा, बिना ही प्रयास संस्कृति कर अंता, राम ते अधिक राम करिदासा। राजा जयमल का नित्य का नियम था कि वो अपनी सभा में भी अपने सरदारों से, अपने सहायकों से नित्य प्रति भजन कराया करते थे, स्वयं भी किया करते थे। 1,25,000 मनकों की एक माला बना रखी थी और सारे सरदार, उनके सारे सामंत, उनके सारे सहायक एक साथ बैठ जाते थे। सुमेरु राजा के हाथ में होता था, आरंभ होती थी माला और जब तक माला पूरी नहीं होती थी सब लोग वहीं बैठकर भजन करते थे। और कथा कहती है कि 3.5 घंटे का समय लगता था उस एक माला के पूरा होने में। राजा जयमल
मेड़ता के राजा, और मेड़ता के पास एक स्थान है मड़ोवर। वहां का जो सरदार था वो बड़े लंबे काल से मेड़ता पर आक्रमण करता था और हर बार पराजित हो जाता था। उस मड़ोवर के सरदार से उसके सहायकों ने कहा कि 3.5 घंटे राजा जयमल सभा में बैठ के भजन करते हैं, और उस समय आज्ञा है कि कोई भी उस समय दरबार में उपस्थित नहीं हो सकता। किसी को भी यदि कोई किसी कारणवश उस भजन के काल में विक्षेप उपस्थित कर दे तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाता है। उस समय उनके निकट जाने की आज्ञा किसी को नहीं है। तो उस मड़ोवर के सरदार को यह युक्ति अच्छी लगी कि जिस समय जयमल भजन करेंगे हम उस समय किले पर आक्रमण कर देंगे। राजा तो भजन करते होंगे, कोई उन तक सूचना नहीं पहुंचाएगा और हम किले पर जीत हासिल कर लेंगे। ऐसा ही किया, सेना तैयार कर ली, और जिस समय जयमल जी के भजन करने का समय आया उसने उस समय और आक्रमण की तैयारी कर ली। अब किले के भीतर हाहाकार मच गया कि राजा इस समय भजन में बैठे हैं, उनके निकट जो जाए उसे मृत्युदंड मिले। तो कौन जाए इस बात की सूचना देने कि मड़ोवर के सरदार ने बाहर आक्रमण कर दिया। तो सबने युक्ति निकाली कि जयमल जी की माता जी को भेजा जाए, उन्हें इस प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता। तो जयमल जी की माता जी को जब सभा में भेजा गया कि जयमल तुम यहां बैठे माला फेर रहे हो, ये हाथ में तलवार उठाने का समय आ गया है, सरदार ने किले पर आक्रमण कर दिया है, तत्काल जाओ और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। जयमल ने कहा कि माता मुझे नहीं लगता कि भजन को छोड़ने से किसी भी प्रकार जीव का मंगल हो सकता है। मैं प्रभु के भजन में हूं, मैं अपने नियम में हूं, और मैंने कल आपसे एक बात कही थी कि एक समय ऐसा आएगा हो सकता है जब आप नियम का निर्वाह करने में स्वयं को असमर्थ पाएं। उस समय भी प्रयास करके यदि आपने अपने नियम का निर्वाह कर लिया तो वो नियम आपका धर्म बन जाएगा और फिर एक दिन आपकी रक्षा करेगा। नियम को यदि आपने सींच दिया श्रद्धा और विश्वास के जल से तो वो नियम ही एक दिन आपका धर्म बनेगा, आपकी रक्षा करेगा, वो इस संसार में इस लोक में आपकी विजय का हेतु बनेगा। राजा जयमल ने माता जी से कह दिया कि मां मैं जिसका हूं उसे मेरी चिंता है, मैं अपने उन प्रभु का भजन करता हूं। अभय पद दे विभीषण को किया लंकेश पल भर में, उसी के हाथ है मेरी नाव तो किस बात की चिंता। सारे सामंत माता हतप्रभ रह गई कि जयमल ये कैसी कायरों किसी बात कर रहे हो, शत्रु द्वार पर खड़ा है, तुम हाथ में माला लिए बैठे हो। वैसे देखा जाए तो ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है कि जिस समय शत्रु द्वार पर खड़ा हो उस समय हाथ में माला लेकर बैठा जाए। माला लेने का भी समय होता है और हाथ में भाला लेने का भी समय होता है, और किसी ने कहा है बात बड़ी खूबसूरत है कि तलवार और तहजीब दोनों जिंदगी में जरूरी हैं। तलवार और तहजीब एक नहीं होगी तो जान से जाओगे और दूसरी नहीं होगी तो शान से जाओगे। दोनों जीवन में, दोनों जिंदगी में होनी जरूरी है। इसीलिए हमारे यहां संतों के हाथों में शास्त्र भी रहे हैं और संतों ने समय आने पर शस्त्र भी उठाया है धर्म की रक्षा करने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए। पर यहां बात विश्वास की थी, और यदि धर्म की बात आए तो जो सबसे पहला धर्म है, जो सबसे श्रेष्ठ धर्म है, वो आत्मकल्याण है, वो प्रभु का भजन है। तो जयमल ने मन में विचार किया कि यदि मैं कोई और कार्य करता होता तो तत्काल छोड़कर चल देता, पर मैं प्रभु के भजन में हूं, मैं अपने प्रभु की सेवा में हूं, और सेवक का एक ही धर्म है स्वामी की सेवा। मैं अपने प्रभु की सेवा में हूं और मुझे नहीं लगता मां कि भजन छोड़ने से कभी किसी जीव का मंगल हो सकता है।
कि भजन का त्याग कर देने से कभी कभी मंगल हो सकता है। मैं आज भजन छोड़कर जीत भी जाऊं तो वो मेरी जीत, वो मेरी विजय पराजय जैसी है। और भजन करता यदि शत्रु के हाथ मारा भी जाऊं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही पे अंत राम कही आवत नाही, सदगति मिलेगी मुझे। राजा की ऐसी अद्भुत निष्ठा देखकर प्रभु का सिंहासन डोला, प्रभु से रहा नहीं गया। अस्तबल में घोड़ा तैयार था कि जाने कब राजा आएंगे और बैठकर चल देंगे युद्ध करने। राजा तो वहां बैठे भजन करते रहे और कोई आया जयमल का भेष धरे, घोड़े पर बैठकर अकेला चला गया रण क्षेत्र में और अकेला ही सारी शत्रु की सेना को पराजित करके लौट आया। जिस स्थान से घोड़ा खोला था उसी स्थान पर घोड़ा बांध दिया। उधर जयमल का भजन पूरा हुआ और कहा अब चलकर देखा जाए, अब चलकर शत्रु से निपटा जाए। और जब राजा जयमल पहुंचे अस्तबल में घोड़े पर बैठकर रण क्षेत्र में जाने के लिए, तो क्या देखते हैं घोड़ा बड़ा थका है, पसीना चुराए घोड़े के शरीर से, जैसे अभी अभी कोई बड़ी लंबी यात्रा के बाद इसे यहां छोड़कर गया हो। उधर विजय ध्वनि मंगल गान होने लगे, नगाड़े बजने लगे, विजय सूचक ध्वनि होने लगी। राजा जयमल मन में विचार करते हैं कि अभी कुछ देर पहले माता चिंतित आई थी कि शत्रु द्वार पर खड़ा है, मैं भीतर भजन में था और अभी द्वार पर विजय ध्वनि बज रही है, विजय की ये उद्घोष सुनाई दे रहा है। राजा जयमल को समझ में नहीं आई, चहुं ओर से नगरवासी आकर राजा को बधाई देने लगे, विजय की जीत की प्रशंसा करने लगे कि आज आपने रणभूमि में ऐसा कौशल दिखाया कि अकेले ही सारी शत्रु सेना का नाश कर दिया। राजा जयमल सोचते विचारते रह गए, फिर मन में विचार किया, दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहाय के जाओ कहाँ, तेरे ही नाम की फेंट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलू नहीं तुम सा कोई और जसी है, ए हो मुरारी पुकार कहो अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, ए हो मुरारी। उसी घोड़े से लिपट लिपट कर रोने लगे, अपने घोड़े से कहने लगे कि अरे कितना बड़भागी है जो तुझे मेरे प्रभु के श्री अंग का संस्पर्श लाभ हुआ है, प्रभु ने आज तेरी सवारी करके तेरा जन्म जीवन कृतार्थ कर दिया। मंदिर में पहुंचे, श्री ठाकुर जी को छाती से लिपटा, रोने लगे, प्रभु मुझसे तो जीवन भर आपकी कोई सेवा बन नहीं पड़ी, मैं तो जीवन भर आपकी किसी सेवा के योग्य स्वयं को नहीं कर पाया, मेरे आधे अधूरे इन भावों को स्वीकार करके आपने अपनी कृपा का आज कैसा परिचय दिया कि मुझ दास के लिए आपने इतना परिश्रम किया। घोड़े को देखा जब जयमल ने, परिश्रम से परिश्रांत क्लांत वो घोड़ा लथपथ पसीने से रण क्षेत्र में सारी शत्रु सेना से वो घोर युद्ध करते हुए, कितना श्रम मेरे प्रभु को हुआ होगा। राजा जयमल का कलेजा निकल निकल के बाहर को आता है, प्रभु की करुणा का विचार करके करे मेरा गोविंद काहू पे ना डरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन
ऐसी नार तुद बिन कौन करे। गिरत उठावत जरत बुझावत, गिरत उठावत जरत बुझावत, बूढ़त लेत उबार सदा हरि भक्तन के रखवार, सदा हरि भक्तन के रखवार। मीरा जी की पंक्तियां स्मरण हो आई जयमल जी को कि किस प्रकार रिझाया करती थी, आज मर्म जाना जयमल जी ने। मैं तो थारी चरणन दासी, मैं तो थारी चरणन दासी, हमारा घर आंगन आजो जी, हमारा घर आंगन आजो जी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, बेड़ा पार लगा जो जी सांवरा मन प्रीत निभा जो जी, पितृन भाजो जी, अवगुण मारा बिसरा जो जी, अवगुण मारा बिसरा जो जी, अवगुण मारा बिसरा जो जी, अवगुण मारा बिसरा प्रीत निभा जो जी, प्रीत निभा जो जी, सावरा प्रीत निभा जो जी, सावरा प्रीत निभा जो। हम तो बस लगा लें, उनसे निभानी और कौन जानता है, वो आधा अधूरा जैसा भी भाव हो। गदगद हो गए जयमल स्वयं पर प्रभु की कृपा का विचार करके, भक्ति प्रगाढ़ हो गई, भावना गहन गंभीर हो गई। देखो भजन के मार्ग पर चलोगे तो भजन की कृपा से अनुभूति अवश्य होगी, आज नहीं तो कल होगी। सावधान रहने की आवश्यकता कहां है कि जब आप प्रयास करें तो बस इतना चिंतन इतना मनन अवश्य करते रहें कि जो भजन जो साधन आप कर रहे हैं उसके मूल में प्रभु को पाने के अतिरिक्त कोई और कामना तो नहीं है। बस एक बात का ध्यान रहे कि बुल्ले शाह रब ओना नु मिलदा नीता जिना दिया सचिया। संसार में भजन साधन सत्संग सेवा बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि लंबे काल तक करते रहने पर भी यथोचित लाभ नहीं होता, जो परिणाम आना चाहिए वो नहीं आता। तो उसका केवल एक ही कारण है कि इसका मतलब मूल में कहीं कुछ और कामना है,
इसका मतलब आप भजन से कुछ और चाहते हैं। मैं फिर दोहराऊंगा अपनी बात, थोड़ा करिए। आज जहां से हम चर्चा में प्रविष्ट हुए कि इस मार्ग पर सिद्धि की नहीं, इस मार्ग पर शुद्धि की आवश्यकता है, आप बहुत थोड़ा करिए, लेकिन आप जो कर रहे स्पष्ट हो आपको कि वो आप केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि भले एक पत्र पुष्प निवेदन करने की सेवा हो और वो भी ना हो सके तो कहीं एकांत में दो घड़ी बैठकर आप लोक के कल्याण के लिए हरि नाम ले लें, लेकिन वो सेवा हो। सेवा अर्थात जिसमें सेवक का सुख नहीं है, जिसमें स्वामी का सुख है, वही सेवक कहलाने योग्य है जो सेव्य के अनुकूल है। आनुकूल्येण कृष्ण अनुशीलनम। आपकी आधी अधूरी सी क्रिया आप देखिए, कर्माबाई खिचड़ी बनाते बनाते खो गई जगन्नाथ जी की रूप माधुरी में, और जब खिचड़ी लगने की बास आने लगी तो गई और जूठा दातुन कर रही थी उसी से खिचड़ी हिला दी, और ठाकुर जी आकर पाते हैं सो खिचड़ी। कभी कभी इस घटना का आप चिंतन करके देखना, मुख में लिया वो दातुन और कहां भगवान को निवेदन किए जाने वाला नैवेद्य भोग, उसी से हिला दी खिचड़ी। क्यों? क्योंकि उसके मन में, चित्त में, उसकी वृत्ति में केवल एक भाव है कि अगर खिचड़ी जल गई तो मेरे लाल जी क्या पाएंगे। वो मंगला से पूर्व आते हैं, उन्हें बड़ी शीघ्रता होती है, वो बड़ी त्वरा में आते हैं और बड़े शीघ्र लौट जाते हैं। यदि आज खिचड़ी नहीं बनी समय पर तो लाल जी भूखे लौट जाएंगे। कहीं दूर दूर तक किसी के मन में विचार हो सकता है कि इस प्रकार यदि मैं कर दूं तो मुझे अपराध लगेगा, मुझे दंड का भागी होना पड़ेगा, पर उसे अपने अपने अपराध की, उसे अपनी हानि की कोई चिंता नहीं है। केवल एक भाव है मन में कि लाल जी आए तो कहीं क्या पाएंगे, कहीं भूखे ना लौट जाएं। वो अपने दिन का आरंभ इसी खिचड़ी के भोग से करते हैं, उन्हें सबसे पहले यही खाना सुहाता है, उन्हें सबसे पहले यही खिचड़ी रुचती है, हिला दी खिचड़ी। और जब ठाकुर जी पाते हैं तो आगे पीछे तो बड़ी त्वरा में आते थे और बड़ी शीघ्रता से पाकर लौट जाते थे, आज तो पाते हैं तो बोले खिचड़ी में ऐसा स्वाद तो आज तक आया नहीं, ऐसा स्वाद आज तक आया नहीं। वहां विदुरानी हाथ से छील छील कर केला खाती जा रही है, छिलका खिलाती जा रही है। विदुर जी आए, हाथ पकड़ लिया, बोले अरे अरे बावरी क्या अनर्थ करती है, प्रभु को कितना कष्ट होता होगा। बड़े प्रेम से, विदुर जी के मन में भी प्रेम की कमी नहीं थी, बड़े प्रेम से छील छील कर श्री ठाकुर जी को खिलाते हैं। और श्री ठाकुर जी कहते हैं अरे काका तुमने आकर सब रस में बिरस कर दिया, कितना आनंद आ रहा था मुझे, क्यों आ गए आप, वो छिलका खाने में कितना आनंद आ रहा था मुझे, मैं जानता हूं। इसलिए आपकी चेष्टा बड़ी थोड़ी सी हो, बहुत साधारण सी हो, बहुत साधारण। कोई ऐसा नहीं है जिसे प्रभु ने अपनी सेवा की योग्यता ना दी हो, कोई ना कोई सेवा, किसी ना किसी प्रकार की सेवा आप में, हम सब कर सकते हैं। और मैं बार बार आपसे यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके बिना जीवन जीवन नहीं है। कहा रस खान भय संपत्ति सुमार महा, तुलसी कहते हैं मगवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से वक्ता चिरजीवी लोमस ते अधिकाने, और एते पे तुलसी कहा जो भयो जो पे राजीव लोचन राम न जाने। इसी से जीवन जीवन है। और फिर यही कहकर मैं वाणी को विराम की ओर लेकर जाऊं कि मेरी बात मत मानना, मैंने अभी आपसे कहा कि आप साधन करोगे, साधन की कृपा से आपको अनुभूति होगी और वो अनुभूति आपको भजन के पथ पर आगे ले जाएगी, वो अनुभूति आपके इस आध्यात्म पथ का ज्योति स्तंभ बनेगी। और इतना भरोसा रखना कि किसी को पूरा मार्ग भले न दिखाई देता हो लेकिन जो भजन करता है उसे अगला पग कहां रखना है, इतनी ठौर भगवान की कृपा के प्रकाश में अवश्य दिखाई देती है, सदा दिखाई देती है कि आपको अगला पग कहां रखना है। ये अपने आप में
सब सदगुण समेटे हैं, ये विलक्षण सा भाव जिसे आप और मैं सेवा कहते हैं, प्रभु की सेवा, संत और भगवंत की सेवा। जो सबसे सुंदर गुण सेवा से आता है उसे विनम्रता कहते हैं, झुक जाते हैं आप। भगवान की कृपा कैसी है? जल जैसी। और जल जहां